क्या था? जैसे ही मुझे अरबाज की हालत के बारे में पता चला, मेरे तो होशो आवाज ही उड़कर भागा भागा चला गया। आप मुझे उठाते थे, मेरे साथ जाते तो ये सब कुछ नहीं होता। ठीक कह रही हो, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे आपको जगा देना चाहिए था। लेकिन जिस तरह वो मुझे अरबाज की सांसें उखड़ने के बारे में बता रही थी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। आप क्यों परेशान होते हैं? अरबाज भाई है आपका, समझता है आपको। लेकिन जो कुछ उसने अपनी आंखों से देखा, उसे कैसे झुठला सकता है? कमरे में सिर्फ एक नाइट बल्ब ऑन था। फारिया ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा हुआ था, चिपक रही थी मुझसे। जब मैंने रेजिस्ट करने की कोशिश की तो उसने जानबूझकर गुलदान गिरा दिया ताकि अरबाज उठ जाए। तौबा, कितनी चालाक लड़की है। मगर शहबाज साहब, उससे पूछे तो चाहती क्या है वो आपसे? शादी तो कर चुकी है ना वो। आपको क्या लगता है मैंने उससे नहीं पूछा होगा? लेकिन आप सोच भी नहीं सकती उसने जवाब क्या दिया। वो कह रही थी कि मैं उसके साथ अपना ताल्लुक अब भी कायम रखूं, वो जब बुलाए जहां बुलाए उससे मिलने के लिए जाओ। दिमाग ठीक है उसका? आप उसके शौहर के बड़े भाई हैं, रिश्तों का भी एहतराम नहीं है उसे। पता नहीं, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, सोचता हूँ घर छोड़ के ही चला जाऊं। आप परेशान ना हो, मैं हूं ना आपके साथ। हम दोनों मिलके कोई ना कोई हल निकाल लेंगे इस बात का। इसलिए तो मुझे हिम्मत मिलती है। थैंक यू। चाय लेके आऊं?